तैयारी कर दिया है। आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नेट की परीक्षा के कट ऑफ और रिजल्ट पर काफ़ी बड़ा अपडेट है। साथ ही साथ आप सभी की जो फाइनल आंसर की आने वाली है उसमें आप सभी लोगों के कम करीबन जो है 10 अंक तक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, आप लोगों को किन किन क्वेश्चनों पर जो है आप लोगों के अंक बढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी छात्र हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है क्या उनके अंक नहीं बढ़ेंगे, तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एनटीए ने अभी अभी एक काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जारी कर दी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नीट से जुड़ी अपडेटें आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। नेट का रिजल्ट का वेट कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट एनटीए ने जारी कर दी है। आपको बता दें सबसे पहली अपडेट आप सभी के रिजल्ट पर आ रही है। एनटीए ने यहाँ पे कहा है कि इसी वीक आप सभी जो रिजल्ट है नीट का वो जारी किया जाने वाला है, ठीक है। नीट यूजी 2021 का जो रिजल्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी वीक, दिस वीक, ठीक है। 5-6 दिनों के अंदर आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। साथ ही साथ जो एनटीए ने ये भी साफ कर दिया है अगर आपके ऑब्जेक्शन सही होते हैं, क्वेश्चन अगर रॉन्ग या आंसर की गलत आई है, तो वहाँ पर 200 सभी छात्रों को कॉमन अंक दिए जाएंगे और एक्सपर्ट की एनालिसिस के अनुसार यहाँ पे 10 अंक तक आप सभी का बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें आप सभी का जो कट ऑफ है और फाइनल आंसर की रिजल्ट के कुछ ही दिनों में से पहले आप लोगों को मिलेंगे, यानी कि फ्यू हावर्स देख सकते हैं। जैसा कि द फाइनल आंसर की ऑफ द एग्जाम विल बी रिलीज अ फ्यू हावर्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट रिजल्ट, ठीक है। नीट यूजी का जो रिजल्ट जारी होगा उसके कुछ ही घंटों पहले आप सभी की फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी, यानी कि आप लोगों को फाइनल आंसर की भी उसी दिन देखने को मिलेगी। इस बार ये जो पूरा अपडेट यहाँ पे आप लोग पढ़ें तो आप लोग पाएंगे यहाँ पे जो नीट का इस बार कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारे एम्स के कॉलेजेस हैं, सभी में जो कट ऑफ है इस बार करीबन 630-640 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। 640 से 650 के बीच में आपके अगर आ रहे हैं तो आप लोग आराम से एम्स जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सिलेक्शन ले पाएंगे, जबकि 500 से लेकर 600 अंकों पर आप लोगों को अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा।